show that w is equal to z into z bar is not analytic करके prove करना है. Okay, ये तो complex number का problem है, ये तो बहुत ही simple है. इधर देखिए, हम पहला complex number लेंगे, इस तरह लेते हैं complex number z is equal to x plus iy करके लेंगे. Okay, अगर हम z bar लिए तो conjugate of z लेंगे, मतलब x minus iy. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, इधर प्लस आए तो जड़बर में माइनस आ जाएगा. ओके, नाउ गिवन डाटा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू जड़बर है. ओके, सो इसको हम डब्ल्यू को यू प्लस आई में लेते हैं, जेड के मतलब एक्स प्लस आई वाई लेंगे, इंटू जड़बर है एक्स माइनस आई वाई लेंगे. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है. देखिए, एक्स ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स इंटू एक्स ए हो गया एक्स स्क्वेयर. ओके, एक्स इंटू माइनस आई वाई माइनस आई एक्स वाई हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आई इंटू एक्स वाई हो गया. सो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, आई इंटू आई ए हो गया आई स्क्वेयर, वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वेयर. ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा. ओके, बच गया है एक्स स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर. आई स्क्वेयर आई का पता ही होगा, आई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस वन है, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हो गया माइनस वन. ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस वाई स्क्वेयर हो गया. ठीक है, नाउ यू प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो गया. हम इसको एनालिटिक नॉट एनालिटिक करके दिखाना है, मतलब हमको शेयर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है. शेयर इक्वेशन का मतलब होता है कोचिस रेमन इक्वेशन. अगर कोचिस रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, वो फंक्शन एनालिटिक होगा. अगर नहीं सेटिस्फाई हो गया, नॉट एनालिटिक. ओके, इतना ही है, सिंपल. इधर देखिए, पहला हम रियल पार्ट को लेंगे. रियल मतलब x, इसमें देखिए जेड इसको x प्लस आई वाई है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट है. एंड y मतलब वॉट एवर इमेजिनरी पार्ट, दैट इज ए y पार्ट. इधर u प्लस आई वी, रियल मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है. यू इज इक्वल टू हम लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेंगे. एंड v इज इमेजिनरी, इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसको हम जीरो लेंगे. ओके, हम कोचिस रेमन इक्वेशन लेंगे. इधर देखिए, कोचिस रेमन इक्वेशन. ओके, सो ये कोचिस रेमन इक्वेशन, डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो फी बाई डो आई, एंड डो फी बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस डो यू बाई डो आई. ये कोचिस सीआर इक्वेशन हम कहते हैं. इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई हुआ है, अगर नहीं हुआ तो नॉट एनालिटिक. ओके, पहले हम डो यू बाई डो एक्स डिफ्रेंशिएट यू, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, बाद में वाई भी लेंगे. ओके, डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डो यू बाई डो एक्स ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट. ओके, ये हो गया टू एक्स हो गया. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट यू अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स ट्रीटेड इन दिस फंक्शन में, एक्स ट्रीटेड एज ए फंक्शन, सॉरी एक्स ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट. डो यू बाई डो वाई इक्वल टू ए जीरो हो गया, इसको डिफरेंशिएट किए तो टू वाई हो गया. ठीक है, बाद में ये वी लेंगे, डिफरेंशिएट वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहने के जीरो आ जाएगा, डिफरेंशिएट वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो वाई जीरो आ जाएगा. हम इस इक्वेशन में देखेंगे, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू डो फी बाई डो वाई, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू डो फी बाई डो वाई. इसको देखिए, इधर टू एक्स है, इधर जीरो है. डो फी बाई डो एक्स इक्वल टू माइनस डो यू बाई डो वाई, डो फी बाई डो एक्स इक्वल टू माइनस डो फी बाई डो वाई. आंसर अलग अलग है, मतलब द सीआर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, ये सीआर इक्वेशन को नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए हम उसको नाउ दस डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार इज नॉट एनालिटिक करके लिखेंगे. यही आंसर है. अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए. अगर आप सब्सक्राइब किए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा. थैंक यू.